अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके लिए ज़बरदस्त सी टिप्स लाई हूँ, किचन टिप्स। आप यकीन करें ये बहुत 100% पावरफुल टिप्स हैं, तो आपने स्किप नहीं करना है, इन तक पूरी वीडियो को ज़रूर देखना है। तो आप देख सकते हैं कि हम लेमन सेव कर सकते हैं, ऑयल गिरता है उसे सेव करते हैं। जल्दी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने ले लिए हैं लेमन, और अब मैं आपको बताऊंगी लेमन को सेव करने का तरीका। अक्सर आपने देखा होगा कि लेमन ख़राब हो जाते हैं अगर हम ज़्यादातर रखते हैं तो, नरम से हो जाते हैं और दाग लगना स्टार्ट हो जाती है, या फिर वाइट जैसे वो फफंदी वगैरह जो लग जाती है इस तरह से लग जाती है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने अपने नींबू को सेव करना है। तो ये मैं ले लूँगी थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों में, और अपने हैंड को मैं अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेती हूँ, और फिर हम सारे लेमन को अच्छे से ऑयल वाला कर लेंगे। अपने हाथों पे ऑयल जो लगा हुआ उससे हमने पूरे लेमन को ऑयल वाला कर लेना अच्छे से। सारे हमने लेमन को इस तरह से ऑयल वाला कर लेना है ताकि हमारे जो लेमन है वो महफूज रहें, ख़राब ना हो। किस कदर महंगाई है और इस वक्त तो हमें हर चीज़ बचा बचा के एहतियात से चलानी है और करनी है ताकि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो हमारी। तो ये देखिए, मैंने सारे लेमन को हाथ से इस तरीके से ऑयल लगा दिया है। तो ये सारे ऑयल लग चुके हैं। अब मैं ले लूँगी एक एयर टाइट कंटेनर बॉक्स, तो ये ले लिया है मैंने एक बॉक्स, और अब इस बॉक्स में डाल दूँगी मैं बटर पेपर। आपके पास कोई भी पेपर हो आप ले सकते हैं। तो ये मैंने लगा लिया है बटर पेपर हमारे इसलिए ना कैक्टन, मतलब है ना कोई भी कंटेनर वगैरह हो तो इसमें आप लगा लेंगे इस तरीके से। ये बॉक्स में मैंने लगा लिया है। आप टिश्यू पेपर ले लें, कोई भी वो जो न्यूज़पेपर के होते पेपर वो ले लें, बटर पेपर ये मैंने बटर पेपर ले लिया है, और इसमें मैं अब सारे लेमन रख दूँगी इस तरीके से। तो आपने ये ख्याल रखना है कि लेमन कब मतलब एक दूसरे के ऊपर मत रखिएगा, वरना इससे ख़राब होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसलिए आपने अलग अलग करके लेमन को इस तरीके से रखना है जिस तरीके से मैं रख रही हूँ। तो आपने बिल्कुल इस तरीके से ही ये टिप्स को फॉलो करना है। इस तरीके से मैंने सारे लेमन अपने रख दिए हैं अच्छे से ऑयल ग्रीस करके। तो अब मैं इसके ऊपर भी बटर पेपर लगा दूँगी। इस तरीके से अब ढक देंगे हम, और फिर इसको हम ऊपर से ढक्कन ढक के कवर कर लेंगे। तो ये जो है ना, आप लेमन इसको रख सकते हैं तकरीबन वन मंथ के लिए, टू मंथ के लिए आप सेव करके फ्रीज में रख सकते हैं। ये हद से हमारे लेमन महफूज हो जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए, हमारे सारे लेमन जो है हमारे बॉक्स में आ गए, और ऑयल ग्रीस भी हैं, और हमने इसे बटर पेपर भी लगा दिया है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स अपना। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैं बताने जा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स। आप देखते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर ऑयल वगैरह जो हमारा गिर जाता है काउंटर पर हो गया, टॉप काउंटर पर हो गया, तो उस पे से हम क्या करते हैं, कभी कभी कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। ये मैं आपको दूसरा गिरा कर मतलब बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि अक्सर हम ऐसे करते हैं कि ऑयल गिर जाता है तो हम कपड़े वगैरह से ऐसे साफ़ कर लेते हैं। वो साफ़ तो हो जाता है लेकिन उसकी चिकनाहट रह जाती है। ये देखें, चिपचिपापन रह जाता है और चिकनाहट सी रह जाती है जब तक हम इसे 4 से 5 बार अच्छे से साफ़ नहीं करते। तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप्स लाई हूँ मैं आपके लिए कि आप हमें ये चिकनाहट से मिल जाएगा छुटकारा। तो हमने क्या करना है, ये जो ऑयल गिरा हुआ है हम ले लेंगे 1 टेबल स्पून के करीब सरफ, कोई भी सरफ आप ले लें, और उस सरफ को हम ऑयल पर अच्छे से फैला के डाल देंगे, जिससे इसे मैं डाल रही हूँ। तो ये देखें, मैंने फैला के डाल दिया है सरफ। अब मैं इस सरफ से ही सारा ऑयल है ना हाथ से करती जाऊंगी, तो आप देखेंगे कि मिनटों में जो सरफ है ना ये ऑयल अपने अंदर एडजस्ट कर लेगा, और बिल्कुल जो ऑयल की चिकनाहट होती है ना वो हमारे काउंटर से ख़त्म हो जाएगी। ये देखें मैं किस तरीके से कर रही हूँ रैप, तो आपने भी काउंटर से इस तरीके से रैप करना है, और आप देखेंगे कि माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमारा काउंटर, यूँ लगेगा जैसे ऑयल गिरा ही नहीं है। अब देखें, मैं बिल्कुल इसको सफाई के साथ हटा रही हूँ, तो हमारे हाथ में बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लियर हो गया है हमारा जो काउंटर है ना। अब आप कहेंगे ये दाग जैसे वगैरह थोड़ा दिख रहा है, तो मैं आपको चिकनाहट की वजह से बता रही हूँ कि ये चिकनाहट जो है हमारी वो बिल्कुल हट जाएगी। आप पहले जाकर देखेंगे तो वीडियो में आपको चिकनाहट दिखेगी, और जब आपने सरफ वाला हिस्सा साफ़ किया तो वहाँ से चिकनाहट ख़त्म हो जाएगी। तो ये टिप्स आपने ज़रूर आजमाना है, आपके काउंटर पे ऑयल गिर जाए जो भी हो तो आपने सरफ से उसे फौरनली कवरली कर लेना है, तो हमारा काउंटर और चिकनाहट हर जगह से ख़त्म हो जाएगी। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। ये ले ली मैंने एक प्लेट, और इस पर मैंने डाल दिया है
दो चम्मच मैदा और अब डाल दूंगी मैं इसमें बोरी पाउडर जो इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, ये एक चम्मच डाला है मैंने बोरी पाउडर। और साथ ही अब मैं डाल दूंगी इसमें सरफ, और सरफ आपने लेना है खुशबू वाला जिसकी खुशबू बहुत स्ट्रांग हो, तो ये मैंने दो चम्मच सरफ डाल दिए हैं बहुत ही स्ट्रांग खुशबू वाले, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होनी चाहिए और तेज़ होनी चाहिए। तो मैं इन सब में सामान को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखें मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है, बहुत ही पावरफुल आज की टिप्स हैं सारी फ्रेंड्स, आपने ज़रूर सबको ट्राई करना है 100%, ये सब पावरफुल टिप्स हैं हमारी जो मैं आपके लेकर आई हूँ। अब मैंने ले लिया है थोड़ा दूध और मैं थोड़े से दूध में से इसको बिल्कुल आटा गूंदूँगी जैसे हम आटा गूंदते हैं, इस तरीके से हमें इसे गूंद लेना है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके, और रिश्तेदार और फ्रेंड में शेयर भी करें। तो ये देखें मैं आटे को अच्छे से हाथ से गूंद लूँगी, जो अक्सर कॉकरोच हो जाते हैं घरों में किचन में ख़त्म होने का नाम ही लेते हैं, हम काफ़ी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जिससे वो ख़त्म ही नहीं होते, तो ये जो घरेलू टोटका है ये बहुत ही पावरफुल है, आप भी करिएगा यकीन मानिए मिनटों में चंद दिनों में ही आपके जो कॉकरोच हैं उनका खात्मा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इनका खात्मा नहीं करेंगे तो इनकी तादाद बढ़ती जाती है बजाय ख़त्म होने के, काफ़ी सारे ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने आटा देखे कि शेप का गूंद लिया है नरम नरम सा, अब इसकी मैं सारी बॉल्स बना लूँगी। अगर आपको लगे कि हाथ में आपकी जो ये चिपक रहा है आटा तो थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेना हैंड को। तो इस तरीके से हम सारी गोलियाँ बना लेते हैं, ये देखें सारी गोलियाँ हमारी बनके बॉल शेप में तैयार हैं। अब मैं ले लूँगी थोड़ी सी चीनी और चीनी को इसके ऊपर हमने डाल देना है, क्योंकि हमारे जो सारे बॉल्स हैं इनको हमें चीनी से कवर कर लेना है। फिर जब हम इसको चीनी से कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से तो फिर आपने क्या करना है फ्रेंड्स कि जहाँ पर लाल बैग हों चाहे वो काउंटर हो ऊपर से बॉक्स जो होते हैं जिनमें हमारा सामान पड़ा होता है उनके कोने कोने में आपने ये बॉल्स को रख देना है, स्टोव के नीचे की साइड पर रख सकते हैं, आप काउंटर के कोनों में जहाँ हमारे अक्सर बर्तन पड़े होते हैं वहाँ पर बेसन की जो पाइप होता है इसके किनारे पर कोने पर आप ये रख दें। तो इससे देखना कि काफ़ी दिनों में नहीं चंद ही दिनों में आपके सारे लाल बैग से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यह बहुत ही पावरफुल टिप्स है, मैंने अपने लिए भी ये टिप्स आजमाई है, फिर मैंने कहा चले मैं आपसे भी शेयर करूँ, क्योंकि कॉकरोच तो हर घर में हो जाते हैं चाहे जितना भी बंदा साफ़ सुथरा ही रखे, लेकिन लाजमी कोई चीज़ गिर जाए तो वहाँ कॉकरोच अपना बसेरा डाल देते हैं। तो ये देखें इस तरीके से सारे आपने बोल बनाकर और इसको रख लेना है, बस याद रखिएगा कि जो हमने सर्फ डाला है वो सर्फ खुशबू वाला होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुशबू वाला, और बोरी पाउडर की चाहें तो आप तादाद बढ़ा सकते हैं यानी क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं, उसका कोई नुकसान दे नहीं है, उससे तो जल्दी से जल्दी लाल बैग ख़त्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये कि आप डाल के रख देंगे मगर इस पर पानी ना लगने दीजिएगा, ये वहीं पर पड़ी रहनी चाहिए, अगर पानी लग गया और ये पिघल गई यानी आपको पता है आटा तो पानी लगने से बिल्कुल वो हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर ये थोड़े टाइम में बिल्कुल ये जैसे ख़राब होना स्टार्ट हो तो वापस आपने नई बॉल्स बना कर वापस से इसको वहाँ पर रख देना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।